बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को दो दिन के आम महोत्सव की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इस महोत्सव का मकसद बिहार में पैदा होने वाले आम की अलग अलग किस्मों को लोगों के सामने पेश करना है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के आम महोत्सव से बिहार के किसानों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। 400 से अधिक वैरायटी के आम यहाँ प्रदर्शनी में इस महोत्सव में आए हैं। हमारा राज्य सरकार का यह उद्देश्य है कि बिहार में आम का उत्पादन और बढ़े, वैरायटीज और बढ़ें, बागवानी हमारी और बढ़े, हमारा जो ग्रीन कवरेज एरिया है वो इसके माध्यम से बढ़े, हम एनवायरनमेंट को ठीक रखने में अपने विभाग के माध्यम से सहयोग कर सकें और जो हमारे आम उत्पादक किसान हैं उनके मार्केटिंग में भी हम सहयोग प्रदान कर सकें। देखिए, आम महोत्सव आम के प्रति जागरूकता फैलाने, आम के जो किसान हैं उनको सम्मानित करने और आम की विभिन्न वेराइटियों को आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के आम की वेराइटियाँ आई हैं और उसको जो किसान ले करके आए हैं उसको न केवल दिखाया जा रहा है बल्कि उसको बिक्री के लिए भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। आम से बने हुए प्रोडक्ट्स को उपलब्ध करवाया गया है, तो इन सब से फ़ायदा है कि आम के किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं और आम को खाने वाले आम के जो प्रशंसक हैं उनको विभिन्न वैरायटियां एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। महोत्सव में बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए किसानों के लाए गए बेहतरीन किस्मों के आमों को रखा गया है। हम लोगों का प्रोडक्शन जो है सो ऑर्गेनिक है और हमारे पास जर्दा, भागलपुर का जर्दालू, बम्बैया मद्रासी बम्बई, प्रभा शंकर, एल्फेंजो है ना, हिमसागर, सारा मालदह सारा उपलब्ध है। किसानों और आम के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि इस तरह के महोत्सव उन्हें अपनी पैदावार को देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने और फूड प्रोसेसिंग में नयापन लाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हमारे ग्रुप में आम के बगीचे वाले किसान जुड़े हुए हैं और उन लोग को हम अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कराते हैं और एज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो बायो फर्टिलाइजर हुआ इस सब से ट्रीटमेंट कराते हैं और सारे को परचेज कहीं बाहर नहीं आउट बाहर नहीं परचेज कर देते हैं, सिर्फ हम लोग ही परचेज करते हैं और एपिडा के द्वारा दुबई, मॉस्को ये सब का सब जगह का प्लान बना हुआ है जाने का, या दो बार गया भी है और इस बार भी गया है, आगे जाने वाला भी है। इस तरह का जो मेला लगा है या आम महोत्सव हुआ है, हम बहुत प्रसन्न हैं कि सभी किसान का जुटानी हुआ, सब लोग देखने में लोग को हो रहा है जो उनका बहुत अच्छा है, उनका इससे हौसला बुलंद हो रहा है, लोग और ज़ोर शोर से काम करेगा और हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमारे किसान भाई को सोचना है कि खाली आम अथी करने से नहीं होगा, उसका प्रोसेसिंग का काम करना होगा, तबे किसान का दो पैसा और आमदनी होगा। आम महोत्सव रविवार तक चलेगा। इससे पहले पिछले हफ्ते पटना में राजभवन में भी इसी तरह का आम महोत्सव हुआ था।